नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ought to के बारे में। आपने कई बार देखा होगा कि हम चाहिए के लिए should का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम चाहिए के लिए ought to का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो आज हम जानेंगे। दोस्तों कई बार हम बात करते हैं हमारी फॉर्मल ड्यूटीज़ के बारे में, कुछ ऐसी ड्यूटीज़ जो किसी एक व्यक्ति की ना होते हुए सबकी ड्यूटीज़ होती है, हमारे ऐसे कॉमन कर्तव्य होते हैं जो हमें हमेशा पालन करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे कॉमन ड्यूटीज़ जो किसी एक की ना होकर सबकी होती है, सबको वो काम करना चाहिए, ऐसे वाक्यों के लिए हम लोग ought to का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, हमेशा ought के साथ to आता है, हमेशा ये दोनों साथ में आते हैं, जहां ought आएगा वहां पे to भी आएगा, तो इसीलिए इसको ought to पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको स्ट्रक्चर की बता देता हूं मैं। जब भी आप ought to का इस्तेमाल करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर फ्रेमिंग इस प्रकार से आ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ought to लगा दीजिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए एक वाक्य, देखिए हम वाक्य बनाते हैं। हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। अब देखो हम सबको करना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि अकेला मैं ही करूँगा, सबको करना चाहिए, आपको करना चाहिए, उसको करना चाहिए। तो जब सबके कोई करने की बात आएगी तब वहाँ पर शुड की बजाय ought to का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वी, आप देखो सब्जेक्ट देखें, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हमें वी, उसके बाद लगा दिया ought to, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रिस्पेक्ट, और ऑब्जेक्ट है हमारे बड़े बुजुर्ग। तो वी ought to रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। दोस्तों दूसरा वाक्य देखिए, तुम्हें अपनी पुरानी कार बेच देनी चाहिए। अब यहाँ पर हम एक सजेशन दे रहे हैं दोस्तों, तो हम सजेशन के लिए भी ought to का प्रयोग कर सकते हैं। कॉमन सजेशंस की बात करते हैं इसमें, तो यू ought to सेल ऑफ, कोई कार बेचने के लिए, हमेशा के बेचने के लिए सेल ऑफ लगाएंगे, सेल ऑफ योर ओल्ड कार। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स और करवा देता हूं दोस्तों। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि कोई चीज जो है हम चाहिए शब्द के लिए इस्तेमाल ought to का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक वाक्य दिखाता हूं दोस्तों, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए डस्टर थोड़ा उधर रखा हुआ था, मैंने इसको इरेज कर दिया। अब ऐसे कोई कॉमन ड्यूटीज दोस्तों जो सबके होते, जैसे मैंने कहा कि हमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, हमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, हमें राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये सबकी ड्यूटी है। तो हम यहाँ लगा देंगे ought to, वी ought to रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, झंडे को बोलते हैं फ्लैग, नेशनल फ्लैग। तो दोस्तों देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर कि हमें अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए, वी ought to रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग। हमें जो है जब राष्ट्रीय गान चल रहा हो, राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा हो, तब हमें खड़े होना चाहिए, वी ought to स्टैंड वाइल नेशनल एंथ नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड, इस तरीके से हम बनाएंगे। हम सबको स्कूल जाना चाहिए, वी ought to गो टू स्कूल भी बोल सकते हैं। हम सबको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वी ought to सर्व आवर पेरेंट्स। दोस्तों ऐसे कॉमन जो ड्यूटीज़ होती हैं वहाँ पर हम आई को ना महत्व देते हुए, हम आई, क्योंकि ध्यान रखना आपको ये जो ought to है ना, इसके साथ अधिकतर सब्जेक्ट जो आएगा ना, वो सब्जेक्ट अधिकतर क्या आएगा, या तो आपका वी आएगा मैक्सिमम टाइम, या फिर दे आएगा। आई की जो गुंजाइश होती है वो बहुत कम रहती है, आई नहीं आता, क्योंकि आई के लिए हम मस्ट या शुड का प्रयोग कर सकते हैं जब हम किसी अपने खुद की ड्यूटीज़ की बात कर रहे हो, या फिर ऐसी ड्यूटीज़ की बात कर रहे हो जो हमको करनी ही चाहिए, तब हम शुड और मस्ट का ऑप्शन लेते हैं। लेकिन जब दोस्तों आपको कॉमन ड्यूटीज़ की बात करनी हो, देश की बात हो, घर परिवार की बात हो, समाज की बात हो, तो वहाँ पर आपको ought to का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, ought to का। दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था ought to, मैंने आपको बताया। ought to have भी आप लगा सकते हैं, मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटे से स्ट्रक्चर के साथ, तीन चार वाक्यों के साथ आपको ought to समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे बेसिक से अंग्रेजी सिखाने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। आपने इतना समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच।